जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीके के 20 क्वेश्चनों में से, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी कितनी तैयारी हुई है, आप इन क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप ज़रूर नोट कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन दिए हैं श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय या फिर वन स्थली विद्यापीठ, लास्ट है LSR महिला विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, MA अंसारी या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में AO ह्यूम द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वही है सेम, तो आप आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किन्हें देंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये आना ही चाहिए। ऑप्शन दिए हैं प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, और उपराष्ट्रपति अगर देना चाहे तो राष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन है, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिए हैं असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से आपका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्योंकि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, KM मुंशी या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन है जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में या फिर मार्च मई में। तो भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर नवंबर आपका सही आंसर है। ऑप्शन
बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी। अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे नोट करना चाहिए कि वूलर किस राज्य में स्थित है। तो ताजे पानी की यह झील है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी नौजवानों का आंसर होगा सही बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी आपसे पूछा जाता है कौन सी है, तो वूलर आपका आंसर होगा। तो इसी से आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन है विंध्य, हिमालय, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर जिनका भी हिमालय है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर है अरावली। अरावली आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, और हिमालय ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेकाल, हिमालय, नीलगिरी या फिर अरावली। इसका सही आंसर है हिमालय, हिमालय ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो ऑप्शन दिए हैं लखनऊ, बंगलुरु, भोपाल या फिर हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग, भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ऑप्शन दिए हैं कैप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या फिर नरीमन पॉइंट। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। आप सभी को यह आंसर आना चाहिए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इसका पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट भी इसी का अन्य नाम है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवस से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 25 मार्च, 28 फरवरी या फिर 22 दिसंबर या फिर 5 जून। तो ऑप्शन 28 फरवरी आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए हैं कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय ऑप्शन इसका सही आंसर है लखनऊ में। लखनऊ आपका सही आंसर है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लखनऊ आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वह कौन सी है? वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन है गोदावरी, दामोदर, पेरियार या हुगली। तो इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी, इसको भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है झेलम, सतलुज, गोदावरी या फिर ब्यास। तो सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा किस नदी पर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, तो इसे भी आप नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल या फिर हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसका आंसर है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार या फिर मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा है एक, इसका सही आंसर है मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा है एक, मूलभूत अधिकार, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तीन कलर होते हैं, पहला केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया रंग त्याग बलिदान का प्रतीक है, और सफ़ेद शांति का, और हरा आपको पता है हरियाली उर्वरता का प्रतीक है। तो केसरिया रंग दर्शाता है त्याग और बलिदान, तो आप याद रखिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी जोश जुनून के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई बहन दोस्त जो भी हैं, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।